हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं जवेरिया सिद्दीकी, मेरे साथ हैं, और मैं हूं फैसल हरल, एंड वी आर बैक विद अनदर वीडियो ऑफ कामिया जानी। लेकिन इससे पहले पहले हम वीडियो की तरफ भी आते हैं, लेकिन जो है हमें इनसाइड रिएक्शन की फैमिली जो है उनके भी हाल चाल पूछ लेने चाहिए। तो बड़े अरसा हो गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है ना वो अपनी रूटीन स्टोरीज वगैरह बताएं कि क्या चल रहा है, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, जो दूसरे हैं जो काम कर रहे हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, थोड़ी गप्पे छप्पे भी, क्योंकि अक्सर जो है ना वो कंटेंट के बारे में बात करते करते वो कुछ लोग भी कह रहे होते थे कि हमारे साथ भी बातें किया करें, बातें किया करें। लेकिन तो, दो कुछ लोग हैं जो कि बहुत यू नो वो यानी कि हार्ट्स वगैरह इस तरह से भेजना नाम के साथ, और सबसे ज्यादा तो वो आता है ना कि आप विवेक बिंद्रा की जो वीडियोस हैं, एक और वहाँ की कोई एक और बहुत कोई बड़ी पर्सनालिटी है कह रहे उस पे आप रिएक्शन दें विवेक बिंद्रा की। और एक और बात, इन्होंने हमें ये भी कहा है कि हमने जब वो महाभारत अपलोड की थी तो ये कह रहे थे कि नहीं, आप इस तरह से नहीं देख सकते हैं, आप इस तरह से नहीं देखें, आप फर्स्ट एपिसोड से स्टार्ट करें। तो ये बताएं, देखना है फर्स्ट एपिसोड से? बहुत जी, जी हम बहुत जो है वो कुछ एपिसोड को देखेंगे, ट्राई करेंगे। जो स्टार प्लस पे मैंने ऐसे स्क्रॉल करके देखा था, वो आई थिंक बहुत ज्यादा एपिसोड्स हैं, और बहुत सारे लोग भी कह रहे थे कि स्टार प्लस के अलावा भी कोई ऑप्शन है, तो वो हम जो है वो भी सिलेक्शन वगैरह करेंगे, कुछ चीजें जो है देखेंगे। बहुत मुश्किल हो रहा है कि भाई सही वीडियो ऑथेंटिक स्टोरी पता लगे, ये ढूंढना बहुत एक बड़ी वो है, क्योंकि ये होता है ना कि यहाँ पे कुछ और बता रहे हैं, वहाँ पे कुछ और बता रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, तो इसलिए जो है ना वो हम थोड़ा सा टाइम लेके आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें करेंगे। लेकिन अभी हमने इसलिए वो की थी कि चलो एक आइडिया हो जाएगा, उसके अलावा एक और एपिसोड भी हमने की थी, उस पर भी जो है वो वीडियो जल्दी आ जाएगी। लेकिन आज बात स्टूडेंट्स की होनी है, भाई हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। आपने वो मूवी देखी है चंडीगढ़ करे आशिकी? देखी है वो आपने? वो मूवी बहुत कमाल की थी, आयुष्मान खुराना की, और अब हमारे पास है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। और एक चंडीगढ़ ये यूनिवर्सिटियों में और फिल्मों में बड़ा सुन के, हाँ, एक और करीना कपूर का भी गाना था ना चंडीगढ़ करके, कुछ था कुछ चंडीगढ़ जो है ना वो हर मूवी में कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी मूवीज में रहता है, या तो हीरो यहाँ का होता है या हीरोइन यहाँ की होती है, मोस्टली होता है। लेकिन हमने भी यूनिवर्सिटी लाइफ जो है जवेरिया आपने भी गुजारी है, हमने भी गुजारी है, लेकिन वो हमें हम देखेंगे कि जो हमने यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ गुजारी है, मसला ये कि मेरी तो पंजाब यूनिवर्सिटी है, मेरी तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, आपने प्राइवेट है, मेरी प्राइवेट तो ये भी प्राइवेट है, ये भी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। करली टेल्स की ये वीडियो है, तो वीडियो का ओरिजिनल लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके जो है वो भी वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन अभी हम करेंगे वीडियो को शुरू, बहुत सारी बातें हम करने जा रहे हैं, तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है, डिपार्टमेंट्स आगे पता लगेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो वीडियो को करते हैं शुरू। वाओ, दिस इज सो कूल। ओह, मैं हूँ इंडिया की एक ऐसे यूनिवर्सिटी में जिसके पास अपना ही सैटेलाइट स्पेस साइंस सेंटर है, और स्टूडेंट्स यहीं से सैटेलाइट को मॉनिटर कर सकते हैं। Nice. Why go to Oxford or Harvard when you have some of the best universities in India? QS World Rankings के हिसाब से ये इंडिया की best private university है। Welcome to Chandigarh University. भाई कमाल की लग रही है देखने में। See you, Chandigarh University. See you. Welcome to Chandigarh University. ये सीन था। बहुत यूनिक वीडियो बनाती है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एयरपोर्ट से सिर्फ एक घंटा दूर है, यहाँ आपको मिलेगा 140 यूनिक और डायनामिक कोर्सेज, जिन्हें पढ़ने ना सिर्फ इंडियंस बल्कि कंट्रीज के स्टूडेंट्स भी आते हैं। काफी मल्टीकल्चरल वाइब है कैंपस पर, और हो भी क्यों ना, हॉस्पिटैलिटी से लेकर साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फैशन, यहाँ आपको कई सारे कोर्सेज मिलेंगे अंडर वन रूफ। In fact, new age courses on artificial learning and machine learning are also available. Oh, machine learning. यहाँ का कल्पना चावला रिसर्च सेंटर एक ऐसा सेंटर है जहाँ से स्टूडेंट्स रियल टाइम ग्राउंड स्टेशन ऑपरेशंस चला रहे हैं। This is the first ever university in India which has its own satellite ground. So cool. यहाँ पर आपको न्यू एज कोर्सेज भी मिलेंगे, मच लाइक एरोस्पेस इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लुक एट दिस, व्हाट द स्टूडेंट्स हैव क्रिएटेड।
सही प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं बड़े. All these drones have actually been created by the students of Chandigarh University. और fascinating बात तो ये है कि ये FPV drone की speed है more than 300 kilometers an hour. I would love to take a flight on. तेज, बहुत तेज होगा. I mean, look at the gorgeous infrastructure spread across 250 acres. It's massive. Yeah, 250 acres. Chandigarh University has found its place in the QS World Rankings 2023 and 2024, being one of the first ones in Asia. अच्छा एशिया की भी हो सकती है सबसे बड़ी. यहाँ है massive classrooms, library, open theatre, food court, sports ground and so much more. In fact, girls और boys के लिए यहाँ hostels भी है जहाँ security का खास ध्यान दिया गया है. I have been residing in the hostel since 2 years. It's very secure and clean, and the food services they are giving is also too good. Wi-Fi facilities and the gym. There's the gym. There's 24 hours Wi-Fi service. There's dispensary and boarding is very good. यहाँ की एलुमनाई की बात करें तो इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स लाइक अर्शदीप सिंह, अंडर 19 वर्ल्ड कप विनर राज अंगद बावा, इंडियन कबड्डी टीम कैप्टन पवन शेरावत, ये सब इसी यूनिवर्सिटी के हैं. यहाँ आपको मिलती है एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ होलिस्टिक डेवलपमेंट और साथ ही इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज इन स्पोर्ट्स एंड कल्चर. मेरा नाम राजंगत बावा है. क्रिकेट में मैंने इंडियन टीम एक सीरीज में रिप्रेजेंट करे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट. अंडर 19 इंडिया एशिया कप और वर्ल्ड कप विनिंग टीम का मैं पार्ट था और IPL में मैं पंजाब किंग्स का भी पार्ट रहा हूँ पिछले 2 साल से. तो गोल यही है सर कि इंडियन टीम के लिए खेल लूँ और वर्ल्ड कप जीतूँ. मेरा नाम साक्षी शर्मा है और मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और ये हमारी कबड्डी की टीम है जो हाल ही में अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल लेके आई है. टीम हमारी बहुत सपोर्ट करती है एज अ स्कॉलरशिप, डाइट और हॉस्टल्स और हमें बहुत अच्छा लगता है. हम चाहते हैं कि ऐसे ही हमारी सपोर्ट करते रहे, हम आगे इंडिया को रिप्रेजेंट करें और अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करें. थैंक यू. बहुत खूब. Interestingly, I'm seeing a lot of popular faces here. Hi. Hello. Is that you, Apilapsa? I've seen your song Har Har Shambhu. Yeah, it's absolutely me. And namaskar to you whole lot. So what are you studying here? Actually, I'm a student of Biosciences Department and at present I'm pursuing BSc Zoology Honours. I hear your song so often on Instagram and now that I've met you, can you sing it live for our audience? Yeah, for sure. कितनी प्यारी आवाज है इसकी. विदाउट एनी म्यूजिक कुछ भी नहीं था. ये भी रिसर्च, इनोवेशन, कल्चर, कैंपस लाइफ, इन सब में तो ये यूनिवर्सिटी नंबर वन है. बट आई नो यू आर मोस्ट कंसर्न्ड अबाउट योर करियर एंड जॉब प्लेसमेंट और उसी के लिए हम बात करेंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर और प्रो चांसलर से. हेलो सर, हाउ आर यू? Very good. What a beautiful university you built. I want to know, ये आपने जब university शुरू की about 10 years ago, आपका क्या motivation था? Basically, मैं एक बहुत ही humble background से आया हूँ. मेरे पिताजी किसान थे और मुझे quality education ही मिला. मैंने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया. वो मेरा एक कह सकते हैं कि मोटिवेशन रहा जो मुझे नहीं मिला. मैं चाहता था कि सबको मिले. पहले तो हमारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, खास करके जो गांव से, स्मॉल टाउन से आने वाले स्टूडेंट्स होते हैं कि हम भी कर पाएंगे, हम भी अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे. तो मेरा सबसे पहला काम ये रहा कि मैंने भी ये सफर किया. हाँ जी. तो मैंने डे वन से रखा कि सबसे पहला काम करो कि अपने स्टूडेंट्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस भर दो, फिर वो हर हर्डल को पार कर जाएंगे. हर बच्चे का अपना एक विजन होना चाहिए, उसका गोल होना चाहिए और उस गोल को अचीव करने के लिए उसके पास जो स्किल्स, जिसको हम एम्प्लॉयबिलिटी कहते हैं,
उसको मेजरेबल फॉर्मेट में लेके आओ कि कौन सी स्किल किस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है और उसका कंपटीशन का लेवल क्या है। जो सबसे बड़ी एस्पिरेशन है हमारे स्टूडेंट्स की वो है अच्छी एम्प्लॉयमेंट, अच्छा करियर, क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, अच्छे सोर्सेज, अच्छा एक्सपोजर चाहिए और साथ में चाहिए इंडस्ट्री। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि हम पे इंडस्ट्री बहुत ट्रस्ट करती है। आपने जब ये यूनिवर्सिटी बनाई थी, आपके मन में क्या ख्याल था कि यहाँ का स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो तो उसका किस तरह से करियर? मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वतन परस्त हों, सोशली सेंसिटिव हों, ग्लोबली कॉम्पिटेंट हों, इस देश के लिए काम करने के लिए उनकी प्रायोरिटीज हों। ब्रेन ड्रेन मेरा एक बड़ा कंसर्न रहता है कि हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ाई करके IITs, IIMs, हमारी यूनिवर्सिटी से भी बाकी इंस्टीट्यूशन से भी किसी धरती पे जाके क्यों काम करें। और आज समय वो आ गया, आज एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो बना है हर भारतीय में, हम चाहते हैं कि वो हमारे स्टूडेंट्स में देखना चाहिए। और हमारे चंडीगढ़ के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को आप मिलकर देखिए कि उनमें भारतीयता ना फूट फूट के भरी हुई है, वो देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो ट्रेडिशनली तो हमारे इंजीनियरिंग, MBA ये सारे कोर्सेज होते हैं, बट व्हाट वाज इंटरेस्टिंग हियर, मैंने देखा है कल्पना चावला सेंटर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या आप इन कोर्सेज के बारे में बता सकते हैं कि किस तरह से न्यू एज कोर्सेज को भी यहाँ पर सिखाया जा रहा है? देखिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एक थॉट लीडर के रोल में काम कर रही है देश में, और हम लीडिंग इंस्टीट्यूशन है नॉट ओनली इन एकेडमिया, रिसर्च एंड प्लेसमेंट। हम कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं, इमर्जिंग एरियाज पे काम करते हैं, हमारा एक रिसर्च सेंटर रेगुलरली काम करता है, स्टूडेंट एस्पिरेशंस कैसे इमर्ज हो रही हैं, ग्लोबल कॉम्पिटिशंस कैसे इमर्ज हो रहा है और न्यू अपॉर्चुनिटीज कैसे आ रही हैं। अभी AI का जमाना आया है तो हमने बहुत पहले इस पे काम शुरू कर दिया था, जैसे आपने स्पेस की बात की है, इतना आला एजुकेशन सिस्टम है, जितने भी इमर्जिंग एरिया है उसमें हमारी यूनिवर्सिटी लीडिंग रोल जो है वो लेकर आगे बढ़ रही है। With a lot of heart and soul. Mm-hmm. So the thought of the university right from the word go has been exceptional, has been unique, has been very progressive. And we are very happy that this kind of feeling is resonating with you. Is there an age limit? Can I also get an admission here in this college? Absolutely. We don't believe in any barriers. We're very, very inclusive in our approach. So it'll be wonderful to have a good student like you coming in. Thank you so much. But I must say that you are an example yourself, and I'm sure you are inspiring a lot of women, a lot of girls who are studying in this university by being the pro-chancellor here. I want to know, as a pro-chancellor, what is your ethos? What is your objective? I want to inspire every human here. I get inspired by very many of you every day, Kamya. After seeing what you and your team does, I'm very inspired with you as well. And women in this university, whether it is a BB comes to clean the university, the thought behind is that whatever we are doing in this university as a woman, as a faculty, as a class 3 employee, as a pro-chancellor, there should be a lot of pride infused in all of us. There has to be a thought that each one of us is contributing in the best capable way, not just to the university, but to the nation. Absolutely. Today we feel that if we have to enter Amrit Kaal, have to be Atmanirbhar Bharat, the youth will play a very big role. And as the Honorable Prime Minister says, that Amrit Kaal Bharat will be a women-led Bharat. So this is what I want every student, every faculty, every employee in the university to believe in. You know, when I was in school, one of the things that a lot of my classmates would talk about was going abroad and studying. That seems to be changing now. Are we getting the students ready for a lot of Make in India companies, Make in India innovations? What's happening there? Oh, look, if you talk about this beautiful reverse of international students coming to study in universities like Chandigarh, you know, there have been programs by government called Study in E-Vidya, where Chandigarh University is topping in terms of international students coming to do their degrees and programs here. Yeah. You know, there is a pride in coming back and becoming a part of this growth story called Make in India. We are in Limca Book of Records for the highest number of companies visiting any university. We have created national records on numbers of hires in companies like Cognizant, Wipro, Accenture, Microsoft, to name a few. You know, you look at manufacturing sector like L&T, GMR, Mahindra and Mahindra. Our students are present in every company.
Have industry here, which is directly speaking to my students. So my students get to meet this industry on a regular basis, and they can ask any question under the sun to the industry. So it's amazing that Chandigarh is actually now put on a global map when it comes to, you know, education, finding a career path. But there's one more thing Chandigarh is known for, and that is its food. So we'll take you around our food court, where we serve the best food to our children. University में भी एक food court का अपना scene है. Food Republic के नाम से. जिगरी चाय. Cheers. This is Chai Pe Charcha. We have made sure that every new nutritional product in terms of food and beverage is made available to my students. Right. Yeah. Mani ma'am, it's been wonderful talking to you. Thank you Seeing so the much. University. Thank you so I much. I wish I can enroll for one of the courses, but now I know you, so the admission process should get easy and simple. What yes, you know, admission process will become simple if you qualify the entrance test. I see. That okay. That's quite a prime criteria. Okay, I'll work harder to be a part of the university. I'm sure you will. Thank you so much. Thank you. Welcome. Yeah. Chandigarh. Let's go and talk to the students as well as the alumni and find out what their experience has been of being in Chandigarh University. At Chandigarh University, we are guided by the scientists from ISRO and NASA in the Kalpana Chawla Center. पता चला कि कैसे वर्क वो बेस पे कर रहे हैं ऐसे तो नहीं चंद्रयान इधर उधर जा रहे हैं basically like the infrastructure and the support and guidance that they provide to all the students. We have cultural clubs as well. It's not about academics only. The proper cultivation of a student involves cultural activities too. My ultimate goal as of now is to get placed at an MNC. That's why I was here at Chandigarh University at the first place, because the placement record here is very good. So the university has over 2400 plus patents and 150 plus startups, and my two startups are one of them. Currently, I'm working at ServiceNow as a software engineer. It was an immense pleasure to be part of this university, where I got a placement opportunity at different companies. Currently, I am placed as a software development engineer at Autodesk at a package of 36 LPA. Except that I had multiple internship opportunities in different companies, and this would not have been possible without the support of Chandigarh University. बहुत खूब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इज नॉट जस्ट अ कैंपस बट अ रोबस्ट सपोर्ट सिस्टम फॉर द स्टूडेंट्स विद इट्स स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री टाइज वैल्यूएबल इंटर्नशिप एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एनेबल्स एंड गेट्स द स्टूडेंट्स रेडी फॉर द प्रोफेशनल वर्ल्ड सो आई होप यू एंजॉयड टेकिंग अ टूर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी विद मी अंटिल नेक्स्ट टाइम स्टे क्यूरियस स्टे इंस्पायर्ड दिस इज काम्या जानी साइनिंग ऑफ Bye. उन सारे स्टूडेंट्स की जो आइडियोलॉजी थी जो यानी कि इतने उनका ब्रॉड माइंड था इतनी उनकी सोच खुली हुई थी मैंने नहीं देखा इस तरह से स्टूडेंट्स तो ऐसे खी खा करते रहते हैं मतलब कि आपकी मैं बात समझ गया हूँ उनकी बात में इतनी मैच्योरिटी थी कि मैच्योर स्टूडेंट थे उनको पता था कि वो क्या कर रहे हैं और उन्होंने क्या करना है अब एक सीन मैं आपको मजे का बताऊं अच्छा कुछ ये भी लोग कह रहे थे कि टॉपिक से हटके भी आप कुछ बात कर लिया करो शुगली तो वो मुझे याद आ गया इसी तरह मैंने एक यूनिवर्सिटी में जाके जो है वो इंटरव्यू हाँ। किया तो मैंने उनसे पूछा कि जी यूनिवर्सिटी की बेस्ट चीज क्या है तो उनका पहला वर्ड आया था बच्चियां मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा तो ये सीन है कि मतलब कि चलो यार मतलब देखें वो आपको नासा मतलब कि इसरो नासा के बारे में रिसर्च कर रहे हैं बेस पे बात कर रहे हैं
हाँ नहीं शुगर वगैरह चलो अपनी एक लाइफ होती है, स्टूडेंट लाइफ भी होती है, लेकिन आप जब आपको पता है ना कि आप के मीडिया आपके सामने है, मीडिया पोर्टल है या आपसे कुछ पूछ रहे हैं और वो चीज रिप्रेजेंट करेगी आपकी पूरी यूनिवर्सिटी को, तो आप वैसे ही थोड़े डिसेंट होके कोई मैच्योरिटी के साथ आप ठीक है, आप वो यानी कि ह्यूमन में भी बात होती है बट एक एक सही स्टेटमेंट भी आनी चाहिए जो कि आती बच्चों की तरफ से। बिल्कुल, और शुगर एक अपनी जगह पे लेकिन मैच्योरिटी एक अपनी जगह पे। अगर बात करें कैंपस की तो कैंपस बहुत खूबसूरत बना हुआ है और जो डिसिप्लिन है मैंने इस कैंपस में डिसिप्लिन देखा है। अच्छा एक और बात भी है, एक तो उनका एंट्री टेस्ट आई थिंक बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा क्योंकि जब वो उनके थे ना चांसलर वो ये कह रहे थे कि यानी कि जो इंडस्ट्रीज है ना यानी कंपनीज जो है फर्म्स या ऑर्गेनाइजेशन है उनको बड़ा बिलीव है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पे कि अगर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का बच्चा है तो वो इतना कॉम्पिटेंट होगा कि हम उसको जॉब दे सकते हैं और हम उसको फॉरन रख सकते हैं, फॉरन हायरिंग हो सकती है। वो यानी कि चांसलर ये कह रहा था कि मेरी यूनिवर्सिटी को प्रायोरिटाइज किया जाता है क्योंकि मेरे बच्चों का वो लेवल है। तो उसने फिर एंट्री टेस्ट पे कितना लेवल रखा होगा, बहुत रखा होगा। और उसके बाद एंट्री टेस्ट क्लियर होने के बाद भी उन्होंने वो वाला नहीं दिया, रट्टा माहौल नहीं है कि बस थ्योरी पढ़े जाओ सवाल है पेपर है लिखी जाओ वो वाला नहीं है। उनको लैब्स बना के दी हैं, वो जैसे जो एक स्पेसक्राफ्ट करके जो था वो भी एक पूरा अलग सा डिपार्टमेंट ड्रोन भी बनाए जा रहे हैं, उसमें सब अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। आपको ना एक लिबर्टी दी जाती है कि आपने जो प्रोजेक्ट करना है आप करो, उसके लिए आगे वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, वो हर तरह से जो यूनिवर्सिटी वो सपोर्ट कर रही है। और वो देखा था आपने स्पोर्ट्स का बहुत सारी चीजें जो हैं उन्होंने दिखाई हैं, एक कैफे वाला भी सीन हमने देखा, स्पोर्ट्स वाला देखा, फिर वो जो क्रिकेटर का हर्षदीप सिंह की बात की जा रही थी, अंडर 19 टीम को इवेंट में कर चुके हैं, आईपीएल में भी खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, और हर्षदीप सिंह जो है बड़ा मेन बॉलर इंडिया का वो भी पढ़ चुके हैं यहाँ से। तो ये बेसिकली चंडीगढ़ जो है वो पंजाब में आती है, ये ना एक इंस्टीट्यूट है ये, आप इससे कुछ सीख सकते हो, एक जिंदगी है, एक ऐसी जिंदगी है जिससे आप कुछ बन सकते हो, जिससे आप जो है वो अपनी ग्रोथ कर सकते हो। और जब चांसलर और वाइस चांसलर फीमेल और मेल दोनों ने बात की, आप उनकी मैच्योरिटी चेक करें, उनका वे ऑफ लेवल चेक करें, उनका विजन देखें, कॉन्फिडेंट वो इतने थे कि हमारे जो बच्चे हैं वो यानी कि उनका है कि वो करियर ओरिएंटेड है और उनके करियर बन जाएंगे क्योंकि वो उस तरह से उनकी बेस क्रिएट कर रहे हैं। ये नहीं होता ना कि अच्छा ये 8 बजे क्लास है, 9 बजे क्लास है, 10 बजे क्लास नहीं है, 11 बजे क्लास है, आ जाना, टेस्ट हो गया है, ये सब नहीं। अगर आपका नहीं है तो आप प्रोजेक्ट में आप हिस्सा लो, आप जो चीजें हैं आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ो, आप आगे से ऑफर करो कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कॉर्पोरेट चल रहा है, कॉर्पोरेट ऑफिस वाली वाइब आ रही थी ना, इंडिया की जो एजुकेशन है उसका लेवल तो हमें अंदाजा हो रहा है उनके वे ऑफ मतलब जिस तरह से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिस तरह से वो, और इंडिया जो है वो जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, जहाँ तक मैं समझा हूँ, इंडिया का ये विजन है बेस पे काम करना, बिल्कुल बेस पे काम करके फिर इंतजार करते हैं, फिर वो बनता एक टाइम पे वो एक ऐसा काम निकलता है कि वो फिर फायदा होता है, इस तरह वो स्टूडेंट की बेस पे काम कर रहे हैं। आपने ये देखा कि जब यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज होती है, मैं किसी को वो नहीं कर रही कि यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है या बुरी नहीं है, यहाँ पे स्टूडेंट क्लास यूनिवर्सिटीज में क्लासेस नहीं लेते, क्लासेस में जाते ही नहीं है, बाहर ही वो रहते हैं, ग्रुपिंग उन्होंने बनाई हुई होती है 10-12 होते हैं, उसमें लड़के लड़कियां सारे होते हैं, चिलिंग्स कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, जैम कर रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं और बस वक्त जाया करना है कि किसी तरह वक्त पास। अच्छा ऐसे जो सीन्स हैं ना ऐसे हर यूनिवर्सिटीज में होते हैं, मैंने तो नहीं देखा इसमें अभी तक, अभी उन्होंने ऐसा दिखाया नहीं ना, बहुत सारे फंक्शंस होते होंगे, कॉन्सर्ट होते होंगे, गिटार्स दोस्त इस तरह बहुत सारी चीजें होंगी, वो भी डिपार्टमेंट्स होंगे जो थोड़ा, लेकिन जो आप बात कर रही है ना वो बिल्कुल आप ठीक बात कर रही है कि अगर बात करें ना कैरियर पे या आप अगर बात करें सीरियसनेस पे या मैच्योरिटी पे, अब हमने भी यूनिवर्सिटीज में जब पढ़ा है तो हमें भी यही कहा गया, पढ़ाया गया जी ये सवाल है, रट्टा मार लो, ये कंसेप्ट है, ये किताब है, इसका यहाँ से यहाँ तक होना है। तो पाकिस्तान का एजुकेशन लेवल जो है वो उसको बेहतर करने की जरूरत है, उसको मजीद इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है और इंस्पायर्ड होना पड़ेगा इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से। और इससे वो एक आपने बात सुनी कि हम ऐसे लोग जो है वो तैयार मतलब कि चाहते हैं कि जो देश के लिए नाम रोशन कर सकें, और ऐसे एक और बात भी बड़ी, और इसी तरह ऐसे पाकिस्तान में भी बेहतरी करें तो पाकिस्तान में भी ऐसे लोग निकलें जो कि पाकिस्तान की बेहतरी कर सकें, पाकिस्तान को आगे बढ़ा सकें। एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, वो बात ये थी कि जब वो कह रहे थे ना कि पहले ना लोग बाहर चले जाते थे, एक पहला होता था कि अच्छा ये करके ना यहाँ से बाहर जाके मैंने अच्छी पढ़ाई करनी है, आला तालीम हासिल करनी है, लेकिन अब जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, जो आसपास के होंगे वो सारे आ रहे होंगे कि यार वाकई इधर कुछ जाता है, तभी तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं। आपने कभी सुना है कि
पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट आए हो? नहीं, बहुत कम। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में देखे हैं नाइजीरिया के या इधर उधर के जो बड़े हाँ। मतलब छोटे छोटे कंट्रीज हाँ। है ना, वहाँ के जहाँ मतलब कि जहाँ हमसे भी बुरे हालात हैं, बिल्कुल यूनिवर्सिटी हाँ। नहीं है तो, लेकिन जिस तरह मतलब अब इनके स्टूडेंट का बिल्कुल माइंड चेंज हो चुका है कि अब उनको पता है कि हम इंडिया में पढ़ के हम मेड इन इंडिया कंपनी में काम करके हम अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं, तो हमें बाहर जाके किसी और की कंपनी या किसी और की फर्म में काम करने की जरूरत नहीं। और उसमें ये भी होता है कि आप उधर से निकल के बाहर जाके कर सके, वहाँ से सीख के वापस भी आ सकते हो, अगर आप वहाँ पे भी रहते हो फिर भी आप अपनी कंट्री का नाम तो रोशन कर सकते हो। जैसे गूगल के वो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं, उसके अलावा बहुत सारे जो, वैसे आपने सही बात की है कि अगर आप इंटरनेशनल फर्म में भी अपना नाम इतना बड़ा कर लो ना कि वो ऊपर आ जाए तो आप अपने इंडिया का नाम, अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हो, कर सकते हो। तो इसी तरह पाकिस्तानी भी कर सकते हैं और इसी तरह इंडियंस भी कर सकते हैं। आप लोग बताएं कि आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैसी, मुझे बहुत मजेदार लगी है, मुझे बहुत जो है ना मेरा दिल कर रहा है कि कभी अगर मौका मिला ना जिंदगी का, नहीं दाखला तो मैं बिल्कुल स्टूडेंट ले लें। हाँ ये भी है, नहीं हो पाएगा या मतलब कि मेरा अगर मैं जो है ना मेरी विश ये जरूर है कि मैं इस कैंपस को एक्सप्लोर करूं, एक्सप्लोर करें। और फूड कोर्ट भी बड़े मजे का इन्होंने बनाया हुआ था, जैसे मॉल्स होते हैं ना कि उन्होंने उन नाम भी रखे हुए थे डिफरेंट, वो कौन सी चाय थी, जिगरी चाय, वो उन्होंने बड़े नाम भी बड़े यूनिक यूनिक से रखे हुए थे। खैर आप लोग बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और किस किस ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर की है वो भी कमेंट कर सकते हैं। एक और सवाल भी, और कौन कौन हमें अभी चंडीगढ़ का स्टूडेंट करंट देख रहा है, मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि कोई जो है वीडियो देख रहा हो वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट हो, वो दे सकता है, तो वो भी अपनी ओपिनियन जो है कमेंट सेक्शन होता है कि उसको कैसी लगी कैंपस लाइफ जो है यूनिवर्सिटी की लाइफ। लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।